बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफाजत में रखे, आमीन। आज हम बनाने लगे हैं गोला कबाब, जिसके लिए हमने लाम का कीमा लिया है। आप कोई सा भी ले लें, बीफ भी ले सकते हैं जी, चिकन भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। जिंजर गार्लिक पेस्ट ली है, ग्रीन चिलीज हैं, ये अनियन ब्राउन किए थे ये लिए हैं हमने, देसी घी, रेड चिली पाउडर, क्रश चिली, जीरा पाउडर और गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, बेसन, इसको हमने भून के ठंडा कर लिया, ड्राई रोस्ट किया इसको जी, और लेमन जूस। ये अनियन भी शक्ल डार्क इधर नजर आ रही है, लेकिन एक्चुअली इतने डार्क नहीं है, इतने डार्क ना कर लेते वरना कड़वे हो जाने हैं। अब इन सबको मिला के ब्लेंडर के अंदर अच्छी तरह से ना चॉप कर लेना है, कि अच्छी तरह इसके कीमा इसका बहुत फाइन होना चाहिए है। जैसे हमारा ये मिक्सचर रेडी है, इसको हमने चॉपर में अच्छी तरह चॉप कर लिया, काफी अच्छी तरह कैसे फाइन करना है, ऐसे टेक्सचर है इसका, क्रीमी सा हो गया है जैसे ना, फिर अच्छे बनते हैं इसके ना, टूटते भी नहीं है। अब हम इसकी शेप बनाते हैं, फिर फ्राई करके दिखाते हैं साथ साथ। बहुत बड़ा भी नहीं बॉल इसका, जैसे ज्यादा नहीं लेना है इसका मटेरियल, फिर वो बहुत मोटे से बनेंगे तो फिर वो जरा कुक का भी होता है ना। स्ट्रॉ ले लें ऐसे कोई भी, बस शेप ही करना है इसको, फिर उतार लेना है ऐसे, इसकी बॉल शेप बन जाएगी। हम साथ साथ इसको फ्राई कर लेंगे। लीजिए, हमारे गोला कबाब रेडी हैं, बहुत अच्छे बहुत मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही हम आज की अपनी रेसिपी का एंड करते हैं, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा और सबके साथ शेयर भी कीजिएगा। आइंदा फिर हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।